मेरा बेटा। सलाम अलैकुम। मैं इतने साल बाद आया हूँ और आप रो रही हैं। ये खुशी के आंसू हैं। तो इन आंसुओं को साफ कर। आपको पता है ना आपकी आंखों में आंसू मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। कर लेती हूँ साफ, पहले खुद को देखने तो दो मुझे। इतने दिन बाद देख रही हूँ तुम्हें। चले चले काफी। अब तुम आए हो ना तो अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। चलें चलें चलें। अरे चलें। मैं एक एक दिन गिन रही थी तुम्हारे बगैर। हाँ हाँ चलें। बैठे बैठो तुम पहले। ले बैठ गया। ऐसे क्या देख रही हैं? यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम वापस आ गए हो। हालांकि तुम दो साल बाद आ रहे थे, जल्दी क्यों आए? खैरियत? अपनी डार्लिंग मॉम के लिए उदास हो गया था। तुम हसद की। सफर कैसा गुजरा? अच्छा गुजरा। थकन तो नहीं हुई? बिजनेस क्लास में थकन नहीं होती। बिजनेस क्लास ये क्या? जैसे सोसाइटी में अमीर और गरीब होते हैं ना, उसी तरह जहाज में अमीर और गरीब के अलग अलग हिस्से होते हैं। अमीरों वाले हिस्से में थकन नहीं होती मॉम। मुझे तुम्हारे मुंह से माँ का लफ्ज सुनना अच्छा लगता है। हाँ बहुत ओल्ड फैशन है मॉम। लेकिन पहले तो तुम मुझे यही कहते थे। पहले की बात और थी मॉम। पहले हम मोहल्ले के एक छोटे से घर में रहते थे और अब देखें कितना बड़ा घर है, कितना आलीशान घर है। करोड़ों लोगों का ख्वाब होता है इस तरह के घर में रहना। बेशक खुदा की रहमत हुई है हम पे बेटे। मेरी मेहनत है मॉम। ऐसे नहीं कहते, मेहनत तो बहुत से लोग करते हैं लेकिन खुदा की रहमत किसी किसी पर होती है, जैसे कि तुम पर हुई है। खाने में क्या बना? वो सब कुछ जो जो तुम्हें पसंद है, मैंने सब बनवा लिया अपनी निगरानी में। फिर तो सब कुछ बहुत लाजवाब होगा। ये तो तुम खा कर बता पा। ठीक।